क्या होता है जो ट्राइको फीमेल ब्रांच एस्कोगोनियम है, उस एस्कोगोनियम के सबसे ऊपर के पार्ट को हम ट्राइकोगाइन कहेंगे, और मेल ब्रांच के सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो खराब हो जाता है, और ट्राइकोगाइन के अंदर उसके अंदर के पूरे न्यूक्लियस चले जाते हैं। मेल जो पार्ट है जो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है एस्कोगोनियम को, उसके अंदर के पूरे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो ऊपर के भाग में रहता है वो ट्राइकोगाइन में चला जाता है। ट्राइकोगाइन में जाने के बाद उसमें फ्यूजन नहीं होता, डाइकैरियोटिक बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस इसी के अंदर ही रहता है ये। तब जब डाइकैरियोटिक पूरे न्यूक्लियस बन जाएंगे, तब क्या होता है, बाहर के जितने भी थाइफी रहता है उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। मेल एंड फीमेल ब्रांच जो कॉइल्ड रहता है उसको चारों ओर से आसपास के ब्रांच जो है वो घेर लेते हैं। घेरने के बाद एक फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं, इस फ्लोटिंग बॉडी को बोलते हैं पेरिकार्प। इस फ्लोटिंग बॉडी को पेरिकार्प बोलेंगे, ठीक है। पेरिकार्प बोलने के उसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारे डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बनता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियस और बनेंगे, जितने न्यूक्लियस बनेंगे फिर आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। उस स्ट्रक्चर में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से देखेंगे तो ये जो सेप्टा बना, जो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बना, उसको हम बाहर देख रहे हैं। इसके अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसको अलग से देख रहे हैं कैसे डिवीजन होता है। सबसे पहले डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होता है, एक एस्कोगोनियम के अंदर का न्यूक्लियस, एक मेल ब्रांच के अंदर जो न्यूक्लियस था, वो दो न्यूक्लियस एक एक सेप्टा में रहता है। दोनों न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा तो चार न्यूक्लियस बनता है। फिर हुक जैसा ये मुड़ जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है हाइफी, ये हुक जैसा मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं क्रोजियर। फिर क्या होता है, जो चारों न्यूक्लियस है उसमें दो सेप्टा बन जाता है। सबसे ऊपर एक न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद एक सेप्टा बन गया, कि बीच में दो न्यूक्लियस, उसके नीचे एक सेप्टा बन जाता है, मतलब ऊपर और नीचे एक एक न्यूक्लियस, बीच में दो न्यूक्लियस बन जाता है चारों में। इसके बाद बीच का जो दो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाता है, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हो गया, फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो बनता है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से चार न्यूक्लियस बना, ये चारों न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस से ये आठ न्यूक्लियस बनता है। ये आठों न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके आठ एस्कोस्पोर्स बनाएगा, जिसमें एस्कोस्पोर्स रहता है उसको बोलते हैं एस्कस, और जो एस्कोस्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, हर आठ न्यूक्लियस जो है चारों ओर अपना थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके एस्कोस्पोर्स बनाएगा। अब एस्कोस्पोर्स सब इसके अंदर ही बन रहा है, मतलब ये एक सेप्टा को दिखाया गया, ऐसे बहुत सारे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना है, मतलब बहुत सारे एस्कोस्पोर्स, हर सेप्टा इस टाइप का डिविजन करेगा और सब में बहुत सारे एस्कोस्पोर्स बनेंगे और एस्कस बनेंगे, ठीक है। इस टाइप से एस्कस और एस्कोस्पोर्स बहुत ज्यादा बीच में कलेक्ट हो जाता है और ये चारों ओर से इसको घेरे हुए रहता है बाकी फिलामेंट, इससे क्या होता है एक फ्लोटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस टाइप से चारों ओर से फिलामेंट घेरे हुए हैं और बीच में पूरे एस्कोस्पोर्स, ठीक है। ये बहुत मोटा हो जाता है, दो लेयर का बन जाता है और पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का हो जाता है। इसके बाद जितने भी एस्कोस्पोर्स हैं ये रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं, बाद में क्या होता है, मोटा लेयर है इसलिए इसको टाइम लगता है सड़ने के लिए, सड़ जाता है, सड़ने के बाद ये एस्कोस्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद इसमें जर्म ट्यूब निकलेगा और ये नया थैलस बनाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार रिपीट कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले नीचे का जो हाइफी है उससे ऊपर की ओर हाइफी बनना चालू हो जाता है, ठीक है। दो हाइफी एक ही फिलामेंट में ज्यादातर बनता है, एक हाइफी को हम बोलेंगे मेल ब्रांच, एक हाइफी को बोलेंगे फीमेल ब्रांच, ठीक है। जो फीमेल ब्रांच होता है उसमें दो सेप्टा बन जाता है, दो सेप्टा बनने से ऊपर का हाइफी जो है तीन भागों में बट जाएगा। सबसे ऊपर का भाग जो है उसको हम बोलेंगे ट्राइकोगाइन, जो कि 20 न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब 20 न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। बीच के सेप्टा जो है वो एक ही उसमें न्यूक्लियस रहता है, उसको बोलते हैं एस्कोगोनियम,
और सबसे नीचे का भाग जो है उसमें भी बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है, उसको बोलते हैं स्टॉक। ये था फीमेल ब्रांच। अब मेल ब्रांच उसके साइड से डेवलप होता है और उस मेल ब्रांच में एक ही सेप्टा बनता है। ऊपर में भी मल्टी न्यूक्लियट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस रहेगा, नीचे भी बहुत सारा न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये भी बहुत लंबाई में बढ़ता रहता है और एस्कोगोनियम भी लंबाई में बहुत बढ़ता रहता है। लंबाई में बढ़ते बढ़ते इस टाइप का एक कॉयल शेप बढ़ेगा और कॉयल शेप लेते जाते हैं तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत ज्यादा कॉयल। ये था एस्कोगोनियम। ठीक, उसके साइड वाले जो मेल ब्रांच होते हैं वो भी लंबाई में बढ़ के इसको चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं, इसके चारों ओर मेल ब्रांच रहता है। उसके बाद मेल ब्रांच के जो ऊपर का भाग भी खराब हो जाता है और ट्राइकोगाइन के ऊपर का भाग भी खराब हो जाता है। तो मेल ब्रांच के अंदर के जितने न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ट्राइकोगाइन के अंदर आ जाएगा लेकिन फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ट्राइकोगाइन के अंदर बहुत सारे मेल न्यूक्लियस और बहुत सारे फीमेल न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है। ऐसे इसमें बहुत सारा जमा हो गया, फिर माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, दो दो न्यूक्लियस बनता है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा तो ये छोटे छोटे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर चारों ओर बन जाता है, जिसमें एक एक न्यूक्लियस चला जाता है दो न्यूक्लियस में। इसके चारों ओर बहुत सारे जो हाइफी रहता है इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और इस टाइप से एक फ्लोटिंग बॉडी बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर एस्कोगोनियम का लाइकेरियोटिक न्यूक्लियस और मेल ब्रांच का न्यूक्लियस सब है और इसके चारों ओर हाइफी इकट्ठा होके एक फ्लोटिंग बॉडी बना दिया, इसको हम बोलेंगे पेरिडियम। अब डाइकेरियोटिक न्यूक्लियस जो है ये आउटग्रोथ में चला गया, इस आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर में अब बहुत सारे डिवीजन होगा। सबसे पहले आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है, इस आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर में जो दो न्यूक्लियस है डाइकेरियोटिक न्यूक्लियस वो माइटोटिक डिवीजन से चार न्यूक्लियस बन जाता है। चारों में ऊपर एक सेप्टा बन जाता है और नीचे एक सेप्टा, तो ऊपर में एक न्यूक्लियस, बीच में दो न्यूक्लियस, नीचे एक न्यूक्लियस। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो बीच में रहते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाता है, फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया। डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन से चार न्यूक्लियस बना, चार न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा, फिर आठ न्यूक्लियस। आठो न्यूक्लियस चारों साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, आठ एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और जिसमें एस्कोस्पोर्स रहेगा उसको हम बोलेंगे एस्कस। ये सब डेवलपमेंट जितने भी डेवलपमेंट हम देखे वो इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, इसी एस्कोगोनियम और मेल ब्रांच में हो रहा है। तो इसके चारों ओर फ्लोटिंग बॉडी भी है, तो इतने सारे जो आउटग्रोथ है सब में डिविजन होकर एस्कस एस्कोस्पोर बन रहा है, इतने सारे एस्कस सब में आठ आठ एस्कोस्पोर्स है, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोथिसियम। इस स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे क्लिस्टोथिसियम। चारों ओर का जो फिलामेंट है वो और मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और डार्क पर्पल कलर का हो जाता है। इसके अंदर पूरे एस्कोस्पोर्स भरा हुआ रहता है एस्कस के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर सड़ता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ये एस्कोस्पोर्स बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद इसमें जॉइंट ट्यूब निकलता है और नया फिलामेंट बन जाता है। इस टाइप से एस्परजिलस का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।